चार युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। आयु का वर्णन आया, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। आप पूछोगे महाराज कलयुग के कितने साल बीत गए? अभी मात्र 5,200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5,200 वर्ष पूर्व ही भगवान नंदनंदन यशोदानंद ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश दिया। 5,200 वर्ष पूर्व में अभी मात्र 5,000 साल बीते हैं और आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर, जब कलयुग का पूर्ण पीक होगा, युवानी होगी। अभी कलयुग छोटा सा दुदुमुहा बच्चा है, लेकिन जब कलयुग जवान होगा तब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। हां, 8 वर्ष की। पहले आयु होती थी 100 साल, अब बची है 70 साल। एक आज जने पुराने चावल वाले 100 साल जात, बाकी 60-70 के बीच में ही सीताराम। हाँ। 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। और पुम्हार का पेड़ जानते हो? पुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। अभी रुको 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 रुको, ऐसा कलयुग आएगा, इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। इतना भयावह कलयुग आएगा, लोग यहां इंसानों का मांस खाएंगे। जैसे अभी यहां पर लगते ना चाइनीज कपड़े, ऑस्ट्रेलियन कपड़े, अमेरिकन कपड़े, ऐसे ही चाइनीज इंसानों का मांस इस प्रकार की मंडी में बिक रहे होंगे। इंसान इंसान को खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया, अमर्यादित सब होंगे। अपने खून के रिश्ते तक में विवाह कर लेंगे। ये तो अभी भी कई जगह देखने को मिल रहा। और इंसानों के मांस की दिल्ली में एक घटना घटी थी आज से कई वर्ष पूर्व। टैक्सी ड्राइवर को काट करके खाया था इसी दिल्ली में। आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कौन कौन जानता उस घटना को? हाँ, लेकिन हमने उस घटना का पेपर पढ़ा है। हाँ, अभी से प्रारंभ हो गया कलयुग का। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा, न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे। इसीलिए तो कहते हैं सब हिंदुओं एक हो जाओ, अभी जागने का समय है, अल सनातन की अलख पूरे विश्व में जगाओ।